दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे विजय जी आज क्या दिखाने वाले हैं। ये एक चार्ज कंट्रोलर है और इसकी कीमत होती है 1500 रुपये और ये काम बहुत करता है नॉर्मल आदमी के लिए। अब नॉर्मल क्या है कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपके पास में ऑलरेडी या तो 100 वाट का पैनल है, कोई किसी भी कंपनी का है आपके पास में, या आप अभी नया पैनल परचेज करना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे इन्वर्टर बैटरी में पैसा ना लगाना पड़े, इन्वर्टर बैटरी ऑलरेडी मेरे पास है, पहले से कोई बैटरी मेरे पास है, जैसे मैंने पीछे बैटरी भी लगाई है, पहले मैं आपको दिखाऊं एक बार। तो आज जो हम बताने वाले हैं पूरी कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं डिटेल में। तो ये एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है जैसे आपके घर में होती है, हो सकता है कंपनी किसी की भी हो, मैं कंपनी नहीं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी किसी भी कंपनी का हो, बैटरी भी किसी कंपनी की हो, इन्वर्टर भी किसी कंपनी का हो, पर आप लोग चाहते हैं जी वो मेरा सोलर बैटरी सोलर इन्वर्टर बन जाए, क्योंकि बिजली के बिल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग चाहते हैं भाई इस महंगाई के ज़माने में हमें बिजली का बिल ना देना पड़े, और जब नेचर ने हमें फ्री में एनर्जी दी है तो हम बिजली का बिल क्यों दें। तो आज जो वीडियो में हम जानकारी देंगे बहुत कम बजट में, कम से कम बजट में आप 100 वाट का या 150 वाट के आपके पास पैनल है तो उन्हें भी लगा सकते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो आप 210 वाट के 12 वोल्ट में पैनल ले सकते हैं, या पीछे लग रहे हैं 420 वाट में 12 वोल्ट पैनल लग रहे हैं, या 24 वोल्ट पैनल भी आप लेना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं, कैसे कनेक्शन होंगे, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है सर आप वीडियो बना देते हैं लेकिन कंप्लीटली जानकारी हमें हो नहीं पाती और हमें फिर बाद में उस सिस्टम को लगा नहीं पाते हैं, तो एक बार कंप्लीट में डिटेल में जानकारी दें। दोस्तों मेरा हमेशा उद्देश्य होता है आप लोगों को जानकारी देना, वो भी आसान शब्दों में, क्योंकि आप लोग समझ टेक्नोलॉजी को हम इतने आसान तरीके से समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऐसा लगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की हम भाषा का प्रयोग करते हैं और इतने आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आप लोग सोलर की तरफ जुड़ पाए कम से कम बजट में भी। जो लोग ऐसे हैं जो अभी बड़ा सिस्टम नहीं ले सकते या कम बजट है, या वो लोग चाहते हैं कि हमारा कम बजट है लेकिन अभी हम सोलर सिस्टम लगवा लें छोटा सा और कल को वो बड़ा भी हो जाए हमारा, तो आज वो बात भी आपको बताएंगे कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट आप कर रहे हैं आज, चाहे कंट्रोलर में कर रहे हैं, चाहे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पैनल में, तो कल को जब बड़ा सिस्टम बनाए तो वहां कहां यूज कर सकते हैं, वो भी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एक तो निवेदन आपसे यह है कि इस वीडियो को शेयर अभी कर दें क्योंकि आप शेयर करना भूल जाते हैं, लाइक और कमेंट्स भी करें जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को अभी फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय न गंवाते हुए और पूरी जानकारी आज आपको दिखाने वाले हैं, तो पहले इसकी कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं, आप वीडियो में साथ रहें। ये हमने देखिए एक वोल्ट मीटर ले लिया है, एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और सीधा एक कनेक्ट कंट्रोलर ले लिया है। तो पहले दिखाते हैं हम एक बैटरी के इन्वर्टर पे, आप ये देख रहे हैं ये एक बैटरी का इन्वर्टर है और सादा इन्वर्टर है जो बिजली वाला इन्वर्टर होता है। ये हमारा कंट्रोलर है जो मैंने बताया 12 और 24 वोल्ट दोनों पे लगता है, 50 एम्पीयर का कंट्रोलर है ये, और 12 वोल्ट पे 24 वोल्ट पे दोनों पे ठीक है। पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है जी 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे, यानी कि 12 वोल्ट का पैनल 24 वोल्ट का पैनल दोनों लगा लेगा, नहीं, उसके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं कैसे कैसे 12 वोल्ट पे काम करता है, कैसे 24 वोल्ट पे काम करता है। कंट्रोलर एक ही है, 12 वोल्ट पे भी काम करेगा 24 वोल्ट पे भी काम करेगा। तो इसका पहले 12 वोल्ट पर कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। तो हमने क्या किया है, देखिए शुरू में यहाँ होता है सोलर प्लस सोलर माइनस और बैटरी प्लस बैटरी माइनस। इस कंट्रोलर का काम होता है कि आपकी बैटरी कभी ओवरचार्ज ना हो, बैटरी खराब ना हो, सोलर से आने वाला सीधा करंट आपकी बैटरी को मिलता रहे और एक हेल्दी सिस्टम रेगुलर चलता रहे। तो इसमें हमने बैटरी वाले में कनेक्शन देखिए तार लगा लिए हैं पहले ही, चूँकि टाइम ना लगे दो तार ले लिए हैं, तो एक बैटरी प्लस में एक बैटरी माइनस में। तो आप देख रहे हैं सीधा ये लाल वाला तार है ये बैटरी प्लस में लिया है और काला वाला बैटरी माइनस में, इस वायर में सीधे कनेक्टर लगे हुए हैं। तो इसको क्या कर लेना है, सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट कर लेना है इसको, जहाँ एक बैटरी का इन्वर्टर है। तो हमने बैटरी का जो तार होता है जहाँ बैटरी इन्वर्टर आपका लगा हुआ है उसी को लूज कर लेंगे, ये तार हमने थोड़े लूज कर रखे हैं, आप चाबी या पेचकस से या प्लास से अपना लूज कर सकते हैं, चाबी या प्लास से लूज कर सकते हैं इसे, चूँकि वीडियो में टाइम ना लगे इसलिए हमने अभी हाथ से लूज कर रहे हैं दिखाने के लिए। और यहाँ से देखिए हम इसको भी लूज कर लेते हैं और इसको भी हम इसमें लगा लेते हैं। और देखिए हमारे जो चार्ज कंट्रोलर में करंट आ गया है, पहले आपको दिखा दूं, देखिए अभी चार्ज CH लिख रहा है, चार्ज कंट्रोलर चालू हो गया है हमारा, ये पहचान होती है। और इसमें देखिए अभी बोल्ट दिखाएगा, अभी चूंकि हम सोलर लगाया नहीं है, सोलर कोई बोल्ट नहीं है, अब बैटरी के बोल्ट दिखाएगा तो ये घूम घूम के डिस्प्ले आती रहती है, आप देख रहे हैं
अब बैटरी के बोल्ट आ गए 13.4 बैटरी के बोल्ट हैं, तो इसमें बैटरी के बोल्ट दिखा रहा है 13.4 है। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये सोलर पैनल है, तो ये सोलर पैनल आप देख रहे हैं 420 वाट का है लेकिन 12 बोल्ट में है। तो आपके पास में अगर इस प्रकार सोलर है 12 बोल्ट का बड़ा, तो 12 बोल्ट का, लेकिन लोगों के पास नॉर्मल होता नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, या तो 12 बोल्ट में 210 वाट का पैनल होगा या 100 वाट का पैनल होगा। तो अगर 100 वाट की पैनल है तो आपको एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल, जितना भी लगाना है सबको पैरेलली जोड़ लेंगे, और जहां उसके कनेक्शन आ जाएंगे वहां हम इसको कनेक्टर के माध्यम से और कंट्रोलर में जोड़ देंगे। तो दोस्तों एक तो इसी वीडियो में मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, कहीं कहीं हमें ये MC4 कनेक्टर नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में भी हमें लगाना है। तो देखिए है तो ये एक तरीका से अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये कामयाब हो जाता है अगर से हम तरीका से करते हैं। जैसे प्लस वाला पॉइंट है हमारा और ये माइनस है, तो इसमें क्या है, इसको हम, इसमें अंदर होता है कनेक्टर, तो इसमें हम इसे डाल देंगे अंदर और टाइट करके इसे घुमा देंगे यूँ, और यहाँ से इसे टेपिंग कर देंगे, तो कुछ टाइम आप ऐसे चला सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि MC4 कनेक्टर ही लगाएं। दूसरा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में लगाना है, तो इसको भी इस प्रकार से नेगेटिव में डाल देंगे हमने तार और यहाँ टेपिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से भी इसे हम लगा सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, कभी कभी हमारे पास जब कनेक्टर नहीं होता है उस कंडीशन में। अब यहाँ से एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, तो अब इसको हमें क्या लगाना है, मैंने बताया पहले बैटरी के तार कनेक्ट करने हैं, उसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट करना है सोलर का। तो अभी हमने सोलर का पॉजिटिव हम कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे सहयोगी कनेक्ट कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से, और ये हो गया बस कनेक्ट हमारा। अब इसको हम इस तार को कनेक्ट कर देंगे जो हमारा नेगेटिव तार है, और यहाँ कनेक्ट करते समय हमेशा थोड़ा सा टाइट कर दें और आपस में टचिंग ना हो, चूँकि बाहर निकल रहा है जैसे तरीका से नहीं हो रहा है काम, ये चूँकि बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं, चूँकि तरीका से हो तो इसको काट के छील के और ढंग से लगाएं कि आपस में तार टच ना हो जाएं। सोलर के तार अगर टच हो जाते हैं तो पैनल का, जो पैनल के अंदर होता है, डायोड फूकने का चांस होता है। कुछ लोग स्पार्क मार के देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए। तो अभी हमने लगा दिए हैं, और चूंकि हमने तार जो है कनेक्टर के माध्यम से नहीं लगाया था, टेम्परेरी लगाया था, इसको जरा हम लगाते हैं दोबारा, और देखिए अब ये तार हमारा अंदर हमने इसमें डाल दिया है। अब हमारे जो सोलर पैनल के तार हैं वो सीधे लग गए हमारे कंट्रोलर में, और बैटरी के तार भी लग गए हैं। एक बार हम देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं हमारे, तो आप देख रहे हैं 15.96 वोल्ट आ रहे हैं सोलर से हमारे पास, आपको दिख रहा होगा वोल्टमीटर में। अब दोस्तों ये जो हमारा देख रहे हैं आप, 8 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दरअसल हमारी बैटरी में बुलबुले भी दिखा दें। तो बैटरी में चूंकि आप देख रहे हैं आपको कुछ उबाल सा दिख रहा होगा, तो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अब इस कंट्रोलर का क्या फायदा है, कंट्रोलर का ये फायदा है आपको कि इस कंट्रोलर को लगने की वजह से आपकी बैटरी ओवरचार्ज नहीं हो सकती। बहुत सारी कंडीशन में हम क्या हो जाता है, पैनल लगा हुआ है, सिस्टम चल रहा है, और हम दो दिन के लिए, एक दिन के लिए बाहर चले गए, तो ऐसा हो जाता है बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है, धीरे धीरे वो बैटरी फूल जाती है और आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, या किसी कंडीशन में फट भी सकती है जहाँ ज़्यादा पैनल लगा हुआ है। तो हमेशा हम चार्ज कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं जहाँ हम ज़्यादा पैनल लगाए हुए होते हैं। इसी कंट्रोलर का और इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, तो अब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी हमारे पास में एक बैटरी का इन्वर्टर था और हमारे पास कम पैनल लगे हुए थे, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा पैनल बढ़ जाए, थोड़ा सा लोड हमारा बढ़ गया है, तो दो बैटरी का अगर हमारा इन्वर्टर है तो इसी चार्ज कंट्रोलर को हम दो बैटरी के इन्वर्टर पर भी लगा सकते हैं, 24 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं। फिर अगर दो बैटरी का इन्वर्टर पर हम लगा रहे हैं तो 24 वोल्ट का पैनल भी ये सपोर्ट कर लेगा, एक बैटरी के इन्वर्टर पर लगा रहे हैं वो 12 वोल्ट का पैनल सपोर्ट करेगा। इस बात को मैं दोबारा एक बार फिर बता दूँ, यहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये MPPT चार्ज कंट्रोलर नहीं है, ये PWM चार्ज कंट्रोलर है। तो इस पर अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर के पीछे तो आप 12 वोल्ट पैनल लगाएंगे, और 24 वोल्ट की अगर बैटरी लगी हुई है, मतलब दो बैटरी लगी हुई है, तो फिर आप 24 वोल्ट का पैनल इस पर लगा सकते हैं। और मैक्सिमम पैनल की बात करेंगे तो कितना लगा सकते हैं, तो 1000 से 1200 वाट, चूंकि 50 एम्पियर का एक चार्ज कंट्रोलर है, तो लगभग 1000-1200 वाट तक का मैक्सिमम पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। एवरेज फैमिली के लिए जहाँ कम लोड है और वो लोग चाह रहे हैं जी मेरा बहुत कम पैसा खर्च हो और मेरा सोलर सिस्टम भी बन जाए और मैं सोलर पर आ जाऊँ, मुझे बड़ा सिस्टम ना परचेज करना पड़े, तो वहाँ आप इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लोड थोड़ा ज़्यादा है, आपके ज़्यादा आपको समरसेबल भी चलाना है, टुल्लू पंप भी चलाना है, फ्रिज भी चलाना है, वॉशिंग मशीन भी चलाना है, इस प्रकार के हैवी लोड भी चलाना है, एसी भी चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप बड़ा एक सिस्टम ले सकते हैं, जैसे 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, जो आजकल MPPT टेक्नोलॉजी में ट्रांसफार्मर लेस ट्रांसफार्मर वाली सारी टेक्नोलॉजी नेक्सस की अवेलेबल है, फिर आप नेक्सस के सिस्टम परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका बजट कम है, आप चाह रहे हैं जी मुझे तो छोटा सा बस काम चलाओ, मेरा जुगाड़ बन जाए, जो मेरा काम चलता रहे, जो एग्जिस्टिंग मेरे पास सिस्टम है, जो ऑलरेडी बैटरी है, इन्वर्टर है, उसमें बस पैनल लगा लूँ, तो फिर आप ये चार्ज कंट्रोल ले सकते हैं, बेहतरीन चार्ज कंट्रोल होने वाला है अपने। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाती है। अभी तक
सोलर के सेक्टर में ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है और मैं प्रयास करता हूँ आसान शब्दों का प्रयोग करके आपको जानकारी दूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे ये जानकारी फैल जाए पूरी दुनिया में और एक ग्रीन क्रांति के साथ हम जुड़ जाए, अपनी नेचर के लिए अच्छा काम करते रहें और ये नेचर के लिए पॉल्यूशन ना हो, हमें एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। जहां हमें भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी दी है तो वो आप सब लोगों तक उसे पहुंचा सके। तो आपको ये एक माध्यम बन सकते हैं इसे शेयर करके। और दोस्तों मेरी वीडियो में अंत तक रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।